बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके से फिटनेस हमारे कंट्री में इवॉल्व हो रहा है और जिस तरीके से कपूर साहब जैसे लोग दे आर रेजिंग द बार, यू नो, मतलब फिटनेस नीड्स टू बी एंड वर्कआउट नीड्स टू बी फन, इट नीड्स टू बी एन्जॉयबल. ऐसा नहीं कि अरे यार आज भी वर्कआउट करना है, रोज़ सुबह उठो, वैसा नहीं. इट नीड्स टू बी फन कि वर्कआउट करना है, मेरे को जाना है, आज कुछ और ट्रेनिंग करेंगे, आज कुछ लटक के करेंगे, आज कुछ उठा के करेंगे, टायर पटकेंगे, यू नो, इट नीड्स टू बी फन. सो दैट इज़ वॉट दीज गाइज आर डूइंग एंड दे डूइंग इट वेरी प्रोफेशनली. तो जो ट्रेनर्स भी इनके पास है वो सारे वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास ट्रेनर्स है एंड दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस. आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसे बंदे हो जो खुद जानते हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्या बता रहे, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो येस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मेरे घर के पास में ये जिम है और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार आके वर्कआउट करूँ. नहीं, डोले 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 शोले इस साल नहीं दिखेंगे कुछ भी, और मतलब मैं उनके लिए नहीं रियली जाना जाता, बट हाँ ऐसा कुछ रोल होगा जहाँ पे कुछ फिजिक दिखानी हो तो ये मल्टीफिट है, ये लोग मुझे ट्रेन करेंगे और मुझे उस काबिल बनाएंगे कि मैं शर्ट खोल के कुछ, यू नो, सलमान खान की तरह कुछ कर सकूं. मैं कई सालों से, इनफैक्ट ये छोटा सा कीड़ा नगेश ने मेरे दिमाग में डाला था और हम किशोर कुमार सर की बायोपिक करने वाले थे, कुछ 6-7 साल पुरानी बात है ये, बट तभी अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया. बट दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू डू बिकॉज ही वॉज अ जीनियस, और जीनियस को स्क्रीन पे कौन पोर्ट्रे नहीं करना चाहेगा. ये कहाँ से आ गया, मतलब अचानक से. अभी उनको और कुछ हासिल तो करने दो, उसके बाद उनके बायोपिक बने तो कुछ.